Hello and welcome to Easy Learning Smart Learning. Today we are going to learn how to run shell, Python scripts on DOS shell. तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि DOS shell में आप Python के programs को कैसे run करेंगे. तो देखिए, ये बहुत ही आसान सा जॉब है. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने Python को इंस्टॉल कहाँ किया है. तो ये जानने का तरीका ये है कि आप जब पाइथन को इंस्टॉल कर लें और आप देखेंगे इसका पाइथन का फोल्डर है, आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की वेबसाइट से. आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा रहता है. तो इस एड्रेस में आपको इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप कॉपी कर लीजिए सेलेक्ट ऑल करके, और ये कुछ इस प्रकार से आपको एड्रेस दिखाई देगा. इसमें से आप डबल कोटेशन मार्क को हटा लीजिए और ये जो आपका एड्रेस है इसे आप डिलीट कर दीजिए. तो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो इस स्थान पे इसे इंस्टॉल करता है जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं. तो आप इंस्टॉलेशन के दौरान इसे चेंज भी कर सकते हैं, यदि आपने चेंज नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसे सिंपली कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर पाथ नाम का एक कमांड होता है, PATH पाथ. पाथ इज इक्वल टू आप दे देंगे सेम एड्रेस. तो यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करने के लिए आप ये जो बटन दिख रहा है इस स्थान पे आप क्लिक करेंगे और एडिट में जाके पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. तो ये क्या करेगा, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो इस पाथ को सेट कर देगा इसके लिए. तो अब यहाँ पे आप जैसे पाइथन टाइप करके देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो जा रहा है. इसका मतलब ये है कि आप पाइथन को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और पाइथन के स्क्रिप्ट को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो पाइथन के स्क्रिप्ट यदि आपको यहाँ पे चलाने हैं, जैसे वेर एक वेरिएबल है, 5 देना है वैल्यू, वेर की वैल्यू या वेर var2 है इसकी वैल्यू आपको देनी है 6, देन आपको एडिशन प्रिंट करना हो तो प्रिंट var+var2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 आ रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. तो अब आपको अगर कोई फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास फ़ाइल होनी चाहिए पाइथन की. तो आप उसे यहाँ पे बना सकते हैं पाइथन के IDLE में, या आप नॉर्मली कहीं पे भी बना सकते हैं. मैं इसका IDLE का यूज़ कर रहा हूँ, इसका पाइथन का. तो आप यहाँ पे न्यू फाइल में क्लिक करें. न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर देते हैं अपन, वेयर इक्वल टू 5, देन वेयर 2 इज़ इक्वल टू 6, और प्रिंट हम लोग यहाँ कमांड देते हैं var1 var+var2. इसको सेव कर लेते हैं. तो इसकी लोकेशन जो है आप जहाँ चाहें वहाँ दे सकते हैं. मैं यहाँ पे डी ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ, डी ड्राइव में एक नया फोल्डर बना रहा हूँ पाइथन नाम से और इसे सेव कर दे रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट .py. तो एड्रेस आपको याद रखना है, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डी ड्राइव में py नाम की फाइल है, पाइथन नाम का फोल्डर है और यहाँ पे हमने प्रोग्राम को सेव किया है, ये इसका एड्रेस है. तो अब आप इसे रन कैसे करेंगे डॉस में. आपको लिखना है सिंपली पाइथन स्पेस d:\, फोल्डर का नाम है पाइथन, देन आपकी फाइल का नाम है first.py. आप इसे रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे 11 आ रहा है क्योंकि हमने इसके कोड में लिखा था. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक और प्रोग्राम है add2 नाम का, जो दो नंबर को ऐड करने का है. तो आप इस तरीके से इसका एड्रेस स्पेसिफाई करके किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. बाकी पाइथन के हमने लेक्चर से स्टार्ट किए हैं, आगे हम और सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम इसमें बने रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.